हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है धीरज। और कैसे हैं आप लोग? तो आज मैंने भी मंगवा लिया है एज इट इज़ का वे प्रोटीन आइसोलेट। जो मेरे थोड़े बहुत व्यूअर्स हैं जो धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, उन्होंने मुझे काफ़ी कमेंट्स किए कि भैया आइसोलेट के बारे में कुछ बताओ, आइसोलेट प्रोटीन के बारे में कुछ बताओ, एज इट इज़ आइसोलेट के बारे में कुछ बताओ। तो उनके लिए वे प्रोटीन की तीन फॉर्म्स होती हैं। पहले नंबर पे आती है हाइड्रोलाइज्ड, दूसरे नंबर पे आती है आइसोलेट और तीसरे नंबर पे आती है कॉन्सेंट्रेट। दूध से जब प्रोटीन बनाया जाता है तब दूध को प्रोसेस किया जाता है, और कॉन्सेंट्रेट फॉर्म पाने के लिए दूध को थोड़ा कम प्रोसेस किया जाता है। इससे हमें 70-80% प्योर फॉर्म में हमें प्रोटीन मिलता है, जिसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेट। और आइसोलेट के लिए दूध को थोड़ा और ज़्यादा प्रोसेस किया जाता है, तो उससे हमें 90% तक प्योर वे प्रोटीन मिलता है, जिसे हम कहते हैं आइसोलेट। अब जो कॉन्सेंट्रेट है वो 70-80% तक प्योर होता है। इसका मतलब कि उसमें से लैक्टोस, कार्बोहाइड्रेट्स और अदर चीज़ें हैं जो हैं वो पूरी तरह से नहीं निकल पाती, और जो आइसोलेट है वो 90% तक प्योर होता है। इसका मतलब उसमें से लैक्टोस, कार्बोहाइड्रेट्स और अदर चीज़ें जो हैं वो 90% तक निकल जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कॉन्सेंट्रेट क्या है और आइसोलेट क्या है, और आज हम इसी आइसोलेट वे प्रोटीन का रिव्यू करेंगे, और जिसकी ब्रांड का नाम है एज इट इज़। तो इसके बारे में कुछ भी बताने से पहले इसकी MRP देख लेते हैं, इसकी प्राइस क्या है, क्योंकि प्राइस जो है हमारे लिए बहुत मैटर करती है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको शौक है बॉडी बिल्डिंग का, तो इसके लिए अलग से पैसा खर्च करना थोड़ा मुश्किल है। और घर वालों से इस तरह के किसी भी प्रोटीन पाउडर के नाम पे पैसा लेना, ये तो इम्पॉसिबल सी चीज़ है। तो इसलिए लोग सोच समझ के खर्च करते हैं। जहाँ थोड़ा सस्ता मिला, जहाँ थोड़ा प्राइस कम मिला, क्वालिटी अच्छी मिली, हम लोग पहले उसी तरफ जाते हैं। तो पहले इसकी प्राइस पे बात कर लेते हैं हम। इस पे जो MRP है वो है 1360 रुपये, और इसे मैंने एज इट इज़ से मंगाया था, तो वहाँ मुझे ये मिला 1060 रुपये का, यानी 1060 रुपये का आधा किलो 500 ग्राम। तो प्राइस के हिसाब से ठीक है, आइसोलेट है और कॉन्सेंट्रेट इससे ज़्यादा सस्ता है। और जो अदर ब्रांड है वो आइसोलेट 500 ग्राम का, उनका जो प्राइस है वो काफ़ी हाई है, और वो शायद इसीलिए क्योंकि ये रॉ प्रोटीन है, इसमें कुछ भी एडिड नहीं है। जैसा कि इसके इस बैग के ऊपर लिखा है कि नो प्रिजर्वेटिव्स, नो फ्लेवर, नो एडिटिव्स, कुछ भी बाहर की चीज़ इसमें ऐड नहीं की है। ये जो वे प्रोटीन है ये है USA मेड वे, यानी USA से इम्पोर्ट किया हुआ है, और रॉ प्रोटीन वहाँ से इम्पोर्ट किया, बैग में डाला और एज इट इज़ हमारे घर तक पहुँचा दिया। सो सिंपल रॉ वे प्रोटीन है, आइसोलेट है। और हाँ, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है। इसका मतलब कि अगर आपको लैक्टोस की प्रॉब्लम नहीं है, यानी किसी भी तरह के डेयरी प्रोडक्ट से आपको एलर्जी नहीं है, यानी आपको दूध हजम हो जाता है, तो आपको ये रॉ प्रोटीन भी हजम हो जाएगा, आप पचा लेंगे। और अगर आपको लैक्टोस की प्रॉब्लम है, आपको दूध से किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप इसे मत लीजिए, ठीक है। और कन्फ्यूज करने वाली बात एक और है कि ये आइसोलेट है। क्या है कि लोग बोलते हैं कि आइसोलेट जो है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है, बिल्कुल सही है, और ये आइसोलेट है ये भी डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन मेरे भाई ये भी रॉ है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है। सो कंफ्यूज मत होना, अगर आप आइसोलेट समझ के इसे ले रहे हो और आपको लैक्टोस की प्रॉब्लम भी है, तो भी ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है डाइजेस्ट होने में। तो चलिए सबसे पहले इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू चेक कर लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो इसका जो एक स्कूप है उसका साइज़ है 30 ग्राम का, 30 ग्राम का एक स्कूप है, और उस 30 ग्राम के स्कूप में आपको 27 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी अमाउंट है प्रोटीन की। और फैट आपको मिलेगा 0, कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलेगा 0, एंड शुगर, जो शुगर है वो भी है 0। ये बहुत अच्छी चीज़ है, और इसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड और एसेंशियल अमीनो एसिड, इसकी प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है। उसके बाद इसमें आपको मिल जाएगा BCAA 5.93 ग्राम, यानी ब्रांच चेन अमीनो एसिड। और
ये आधा किलो का जो बैग है इसमें आपको मिलेंगे 16 चम्मच 16 स्कूप, यानी 16 दिन आपका ये चलेगा। अगर आप एक स्कूप पर डे लेते हैं तो 16 दिन आपका ये पैकेट चल जाएगा। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1060 रुपये का ये आधा किलो है, तो 16 स्कूप डिवाइडेड बाय 1060 तो ये करीब आपको 66 रुपये के आसपास एक स्कूप पड़ जाएगा। यानी कि एक स्कूप आइसोलेट रॉ प्रोटीन आपको 66 रुपये का पड़ेगा। तो अच्छी डील है और सस्ता है, इसीलिए इस वक्त मार्केट में सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है, ये सबसे ज़्यादा बिक रहा है। तो अब इसका टेस्ट भी करके दिखा देते हैं आपको कि इसका टेस्ट कैसा है। तो टेस्ट के लिए चम्मच और गिलास मैंने पहले ही ला के रखे थे। अरे खुल जा सिमसिम, स्कूप इसके अंदर होना चाहिए। ये 30 ग्राम का एक स्कूप है। और मैं शेकर में इसे मिक्स नहीं करता, पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास शेकर ही नहीं है। ग्लास में मिक्स करने से इसकी मिक्सिबिलिटी का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। आपको ये अच्छी तरह से आइडिया हो जाता है कि ये मिक्स होने में कितना इजी है, क्योंकि प्रोटीन के बारे में ये कहा जाता है, प्रोटीन पाउडर के बारे में ये कहा जाता है कि जो प्रोटीन बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह से मिक्स होता है उसकी क्वालिटी काफ़ी हद तक आप जज कर सकते हैं। तो मिक्स तो ये बहुत अच्छी तरह से हो गया। अब इसका टेस्ट मैं टेस्ट करके आपको बता सकता हूँ। ओके, टेस्ट इज टेस्टलेस, लेकिन फिर भी अच्छा है, कॉन्सेंट्रेट से ठीक है, उसकी तो मुझे अभी तक आदत नहीं हुई। तो ये टेस्टलेस है क्योंकि इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, कोई स्वीटनर नहीं है। तो इस प्रोडक्ट के बारे में इतना ही था जो मैंने आपको बता दिया। और मैं पिछले करीब 4 महीने से इसे यूज़ कर रहा हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई डाइजेस्टिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ नहीं। तो अच्छा प्रोडक्ट है, मेरे हिसाब से बढ़िया प्रोडक्ट है। आपकी प्राइस रेंज के हिसाब से जो मेरे जैसे हैं जिनको सोच समझ के खर्च करना पड़ता है और इस तरह के बॉडी बिल्डिंग के शौक भी है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, आपकी रेंज में आपकी बजट में आ जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए और नीचे जो लाल रंग का बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पे सब्सक्राइब करिए। और आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।